नहीं तो नहीं करें, हम करेंगे सेवा। ये फोटो मेरे पास जाएगी प्यारी। क्या हो रही है? परेशान हो तुम्हारा? हाथ रखो ठीक है ना? बस तुम्हारा बेटा को अपना सारा जीवन स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर गुजारने वाली एक रिटायर्ड शिक्षिका शायद अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार न दे सकी। संपत्ति के लालच में लालची बेटे और बहू ने अपनी मां के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया। पिटाई के बाद घर से बेदखल की गई बेबस माँ फरियाद लेकर थाने पहुंची तो थाना प्रभारी रोहित तिवारी ने दुखियारी माँ को कार्रवाई का भरोसा दिलाकर जो शब्द इस माँ से कहे उन्हें सुनकर आप भी इंस्पेक्टर रोहित तिवारी की प्रशंसा किए बिना नहीं रुकेंगे। नहीं तो नहीं करें, हम करेंगे सेवा। ये फोटो मेरे पास जाएगी प्यारी। क्या हो रही है? परेशान हो तुम्हारा? हाथ रखो ठीक है ना? बस तुम्हारा बेटा को बेटों के जुल्म की सताई माँ ने जब थाना प्रभारी को आप बीती सुनाई तो इंस्पेक्टर ने भावुक होते हुए कहा, रोइये मत माँ जी, चुप हो जाइए, अब से मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। थाने में किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं, बेटों ने भगाया है तो अब मैं आपकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी बेटों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। दरअसल कानपुर की दादानगर लेबर कॉलोनी निवासी प्राथमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षिका सरला चौरसिया ने बताया कि उनके 3 बेटे राकेश, शुभम और कार्तिक चौरसिया ने उन्हें पीटकर शुक्रवार रात को घर से बाहर निकाल दिया। पति आनंदेश्वर चौरसिया ने भी बुढ़ापे में बेदखली के डर से लालची बेटों का साथ दिया। इस पर उन्होंने डायल 112 और गोविंद नगर थाने में सूचना दी। थानेदार रोहित तिवारी को आप बीती बताते हुए दुखियारी माँ फफक पड़ी। नहीं तो नहीं करें, हम करेंगे सेवा। ये फोटो मेरे पास जाएगी प्यारी। क्या हो रही है? परेशान हो तुम्हारा? हाथ रखो ठीक है ना? बस तुम्हारा बेटा को उन्होंने कहा कि बेटों ने मारपीट करने के साथ ही पेंशन के रुपए तक छीन लिए और विरोध करने पर उन्हें पीट कर घर से भगा दिया है। दुकान मकान समेत अन्य संपत्ति होने के बाद भी अब वह सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। गोविंद नगर थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों आरोपी बेटों और पति के खिलाफ मारपीट की धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। साथ ही आरोपी बेटों को चेतावनी भी दी है कि मां को अगर दोबारा तंग किया तो सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया जाएगा। गोविंद नगर थाना प्रभारी द्वारा किए गए कार्य की कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने भी सराहना की है। दोस्तों, संपत्ति के लालच में मां को मारपीट कर घर से निकालने वाले ऐसे लालची बेटों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और इंस्पेक्टर द्वारा किए गए सराहनीय कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।